बाप रे, कितनी भयानक बदबू है। कोई अंदर जाकर देखो आखिर सड़ क्या रहा है। जो अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आएगा। जल्दी से कोई कुछ करो, मुझे बड़ी जोर से आ रही है। जोर से आई है तो तुम ही चले जाओ। किसी आदमी को ही अंदर जाना चाहिए। हाँ, औरतों ने मर्दों को सिर्फ टॉयलेट की ही लाइन में आगे रखा है। टीचर, तुम साथ चलो तो टॉयलेट क्या जहन्नुम भी चला जाऊँ। ओहो, इस टॉयलेट से ज्यादा बदबू तो तुम्हारे मुँह से आ रही है। दूर हटो यहाँ से। अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इस प्रॉब्लम की सलूशन आ गई है। कौन है वो? वही मरेली नाक वाली ज्योति टीचर। जन्म से ही वो किसी भी चीज को सूंघ नहीं पाती। वही छुटकारा देगी, वरना आपसे पहले आपकी नाक की रिटायरमेंट हो जाएगी। हा? सब ऐसे टॉयलेट के बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर से बड़ी तेज बदबू आ रही है और यहाँ किसी में भी चेक करने की हिम्मत नहीं है। अब तुम तो सूंघ नहीं सकती, इसीलिए राजदूत बनकर अंदर जाओ और शांति दूत की तरह बाहर आकर बताओ। जरूर, इस चर्बी की दुकान ने मेरे बारे में सबको बता दिया, ऐसे तो मैं देख लूंगी। ठीक है सर, मैं अंदर जाकर देख लेती हूँ। हाँ ठीक है। क्या कर रही हो बेटी, तुमने इसे बच्चे की तरह क्यों उठा रखा है? ये तो कुदरत का हिस्सा है ना। अरे मैं कॉर्पोरेशन वालों को फोन करता ना, वो इसे यहाँ से ले जाते। रहने दीजिए ना, वो आएंगे और इसे किसी कचरे के ढेर पर जाकर फेंक देंगे। मैं खुद इसे दफनाऊंगी। पर आज यहाँ इंस्पेक्शन है, जो भी करना है वो जरा जल्दी करो। मरेली नाक वाली ही कुत्ते को ठिकाने लगा सकती थी, वरना हम तो जिंदा कुत्ते को भी हाथ लगाने से डरते हैं। सही बोला। अगर मैंने दोबारा इस धरती पर जन्म लिया तो मुझे तुम्हारे जैसी बनकर ही पैदा होना है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारी तरह मुझे भी सूंघने की जबरदस्त शक्ति चाहिए। रोज जिस दुख से मुझे गुजरना पड़ता है उसे सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। लोगों का फ्यूचर हाथों की लकीरों में नहीं, मेरे पोपट की चोंच में बंद है। अभी ये अपनी चोंच से तुम्हारा भाग्य बताएगा। चलो आजाद मिट्ठू, इसका भाग्य बताओ। शर्मा क्यों रहे हो, बाहर आओ। चलो चलो उठाओ। तुम्हें भी घूस खाने की आदत हो गई। अपनी आंखों से देख लो, कुबेर स्वयं पधारे हैं। अब जो भी काम करोगे उसमें भाग्य तुम्हारा पूरा साथ देगा। अभी चाहे ऑटो के पैसे ना हो पर भाग्य खुलेगा, तुम बेंस कार में सिग्नलों को तोड़ते हुए दूर तक चले जाओगे। समझ गए? जाओ जाओ जाओ, दक्षिणा तो दो। ये लीजिए। नमस्ते, बैठिए। आपके चार्जेस क्या हैं? खाली 20 रुपए। और मिट्ठू का प्राइस? तोते की क्या कीमत है? क्या बोली, मिट्ठू भी कौन नहीं है? बता वरना तेरे कपड़े भिगवा दूंगी। क्या समझते हो, पैसे कमाने के लिए इस मासूम से परिंदे का मिसयूज करते हो? शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? उसे खाने का एक छोटा सा दाना देकर खुद के लिए पूरे दिन का जुगाड़ करते हो? शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? हाँ, ये छोटा सा परिंदा तुम्हारे पूरे घर का पेट पाल सकता है। हाँ, तो अगर तुम खुद कुछ करोगे तो अपनी फैमिली के लिए पता नहीं क्या कर सकते हो। इसे खुली हवा में छोड़ने के बजाय तुमने इसे पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। इस बेचारे को अपना तो फ्यूचर कुछ पता नहीं है कि तुम्हारे जैसे बदतमीज के साथ इसे कब तक रहना पड़ेगा। ये दूसरों का फ्यूचर क्या बताएगा? हाँ, लोगों के इमोशन का फायदा उठाकर उन्हें इमोशनल फूल बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आजादी इंसानों का नहीं जानवरों का भी हक है। ये क्या कर रही हो? ये है इसका असली फ्यूचर। आजाद मिट्ठू, आजाद मिट्ठू, वापस आ जा, मेरा धंधा चौपट कर दिया तूने। पेट भरने के लिए किसी पर जुल्म करना गलत है, तुम्हें पैसे ही चाहिए ना। हम्म,
ये लो, पेट भर के खाना। हाँ जुग जुग जी, और ले लो। बहुत अच्छा काम। मैं उस दिन गई थी वहाँ पर। हाँ, मुझे तो उसका सामान बहुत अच्छा लगा। अगली बार जाऊंगी तो खरीदूंगी। अरे रुक रुक, अरे कहाँ भागी? ठीक है चलो। हेलो, क्या चाहिए? तुम कमाल हो, सच में बड़ी प्यारी हो। बल्कि सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी सोच भी बहुत प्यारी है। हाँ जानता हूँ, किसी अजनबी को ऐसे सड़क के बीच तारीफ करना अजीब तो है, शायद गलत भी हो, पर अपने जज्बात छिपाना भी तो गलत है। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम तो कुछ कह ही नहीं रही हो। मैंने कुछ गलत कहा तो सॉरी। हाँ गलत ही तो है, किसी दो बच्चे की माँ से यूं सड़क पर चैटिंग करके सेटिंग करना गलत है। रुको, मम्मी आ रही है। मेरी जैसी हाउसवाइफ सिर्फ सब्जी खरीदने और बच्चों को स्कूल लेने छोड़ने के लिए घर से निकलती है, अब तुम ऐसे रोक कर मेरी ये आजादी भी छीनना चाहते हो? रुको रुको, देखो मम्मी आ गई है, चलो अब घर चले। चलो अरे इतनी देरी कैसे हो गई? अभी बताती हूँ, आज तो बहुत ड्रामा हो गया बाबा। काम खत्म करके मैं घर वापस आ रही थी, एक बेवकूफ अचानक मेरा पीछा करने लगा। मुझे शक हुआ, मैं मुड़ी तो देखा कि वो ठीक मेरे पीछे खड़ा हुआ था। अच्छा, और फिर? बस 2 मिनट बात करके वो सीधे मुझसे शादी करने की बात करने लगा बाबा। अरे सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए, मुझे तो लगा कहीं ये गवार मंगलसूत्र जेब में रख कर न लाया हो। पर मैं हूँ तो आपका ही खून। पता है मैंने क्या किया? क्या किया बता। मैंने उसे कहा कि भाई साहब मैं पहले से शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों की माँ भी हूँ। माँ सुनते ही उसके तो दिल में ठेस पहुँच गई। उसका चेहरा पूरा लाल पीला हो गया। वो लड़का कहीं ये तो नहीं? लगता है शौक हो गई। दिव्या, वहाँ बेंच पर यही मम्मी मिली थी ना? हाँ माँ। अरे बाप रे, लगता है गई भैंस पानी में। तूने जो कुछ भी कहा सब झूठ कहा, पर मैंने इसे सब कुछ सच कहा है। मैंने तो इसे अपना दामाद मान भी लिया है। इसका नाम है जगन, मेरा दोस्त है और इसका दिल सोने का है। बचपन से गुरुकुल में हम साथ ही पले बढ़े, हमारी अपनी कोई फैमिली नहीं। इसका मैं हूँ और मेरा ये है। अगर आप चाहें तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बढ़ाते हैं। एक ही बार मिलके आप फैसला कैसे कर सकते हैं? तुम शायद गलत समझ रही हो, मुझे तो पहली नजर में ही प्यार हो गया था, पर बिना तुम्हारी रजामंदी के शादी के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, इसलिए मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता था। बाबा मैं इससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बात करो, मैंने तो इससे घंटा भर बात की। भाई मुझे तो लड़का अच्छा लगा, आज तक जितने भी लड़के तुम्हें देखने आए तुमने सबको खरी खोटी सुना दिया, पर ये उन जमूरों जैसा नहीं है। जाओ ऊपर जाके बात कर लो, जाओ बेटा। मुझे शादी करके घर बसाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों? जहाँ तक बाबा का सवाल है, मेरी शादी उनका सबसे बड़ा सपना है, पर मुझे लगता है मुझे कभी भूल कर भी शादी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी सूंघने की प्रॉब्लम के बारे में जानता हूँ, पर यह प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं कि तुम किसी को शादी से ही इनकार कर दो। प्रॉब्लम तो तब होगी जब मैं तुमसे शादी करूंगी, मुझे पत्नी बनाकर कदम कदम पर तुम्हें मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। शुरू शुरू में तुम्हें शायद सब अच्छा लगे, पर जिंदगी भर झेल पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। पत्नी का मतलब सुख दुख बांटने वाली, ना कि जिंदगी भर का बोझ। और इसके अलावा एक बार फिर मैं किसी अपने की मौत की वजह नहीं बनना चाहती। माँ, माँ के सैंडल्स गायब हैं, मतलब आज भी सब्जी लेने मार्केट गई है। चलो अच्छा हुआ, आज मैं गाने सुनते हुए डांस करूंगी। अरे यार लाइट चली गई, इस लाइट को भी अभी जाना था क्या? नो प्रॉब्लम, वॉकमैन तो है। ज्योति,
स्कूल से वापस आ गई। पागल लड़की, मेरी वजह से माँ चली गई और मुझे पता तक नहीं चला। जो भी मेरे साथ रहेगा उसकी जान पर खतरा मंडराता रहेगा, इसीलिए मैंने लोगों की भलाई को ही अपनी जिंदगी बना लिया है। अब हर कोई मदर टेरेसा तो नहीं बन सकता, लेकिन उनके बताए रास्ते पर तो चल सकता है। और भलाई के रास्ते पर चलने के लिए मैं हर बार अपने पति से परमिशन बिल्कुल नहीं मांगना चाहती। मैं सिर्फ अपने पति का घर संभालने में जिंदगी नहीं बिता सकती। एक मिनट, तुम्हारी शादी ना करने की वजह क्या है? तुम्हारा कुछ ना सूंघ पाना या लोगों की भलाई में तमाम जिंदगी गुजारना? एक बार फिर से कहता हूं, मैं तुम्हें बेहद चाहता हूं, पर फिलहाल तुम्हारी जिंदगी में बहुत कंफ्यूजन है। इट्स ओके, जब ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी मैं तुम्हारे सपनों में आने लगूंगा। और जब आने लगूं तो बाबा के हाथ मैसेज भिजवा देना, फिर मिलेंगे। एक और बात, हाँ? देख लेना, एक दिन तकदीर हम दोनों को मिलाएगी जरूर। चलो भाई। तो क्या पढ़ाया टीचर ने? सुना था अप्सराएं दिल से सोचती हैं, आज देख भी लिया, पर वो मेरी होके रहेगी। यस! कोई पसंद तो आई है। हाय ज्योति, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा पीछा करना गलत है, उसके लिए आई एम सॉरी। अब तुम्हें फोटोज इतनी पसंद आई गई हैं तो ये गलती मैं बार बार दोहराने को तैयार हूँ। हेलो, इधर उधर क्या देख रही हो? मैंने सोच लिया, शादी तो तुमसे ही करूँगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगा। तुमने मुझे अपना दास नहीं बनाया ना, तो कसम खा के कहता हूँ देवदास बन जाऊंगा। मैंने तो बोल दिया, अब तुम्हारी मर्जी। पापा बोल रहा हूँ, दामाद जी ने एक वीडियो भेजी, देखी कैसी लगी वो? एकदम हीरो लगता है। बताओ ना। रख दीजिए बाबा, बेवड़े कहीं के, पूरे शराबी हैं आप। अब? जितना पीना है पियो। हाँ ठीक है ठीक है। मुझसे बात मत करना। आओ बेटी, 7 सप्ताह पूरे हो गए ना। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुम्हारा व्रत भी पूरा हो गया। देवी माँ तुम्हारी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगी। ये लो। थैंक यू दीदी। संभल के जाना। देवी माँ, इस उम्र में लड़कियाँ अपने लिए अच्छा वर मांगती हैं, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी ही ना हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी किसी को कोई कष्ट हो। प्लीज किसी तरह बाबा का मन बदल दीजिए, और जगन का भी, जो हर जगह परछाई की तरह मेरा पीछा करता है। प्लीज। अरे वो देखो, उसकी साड़ी चल रही है। अरे बेटी, तुम्हारी साड़ी देखो। अरे बेटा, कब से मैं चिल्ला रही थी कि तुम्हारी साड़ी में आग लगी है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था क्या?
शोर शराबे में कुछ सुनाई नहीं दिया होगा इन्हें। सुनाई नहीं दिया, लेकिन साड़ी में आग लगने की बात तो आई होगी। हर जगह तो दिए जल रहे हैं, इसलिए शायद ध्यान नहीं गया होगा। चलो जाने दो, इस लड़के के रूप में आकर स्वयं भोलेनाथ ने तुम्हें बचाया है, नहीं तो अनर्थ हो जाता। कम से कम अब तो समझ जाओ ज्योति, तुम्हें भी कोई ख्याल रखने वाला चाहिए। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मैं चाहता हूँ तुम खुद अपनी हिफाजत कर पाओ। आगे जो तुम्हारी मर्जी। वैसे तो स्कूल के अंदर भी साफ सुथरा टॉयलेट बना हुआ है, लेकिन खुले में पेड़ के नीचे ठंडी हवा में शौच करने का मजा कुछ और ही है। कितना मजा आ रहा है। अरे वारे वाह। अरे चुप हो जा, हल्का होने के टाइम पे काई को डिस्टर्ब कर रहा है। चुप चुप। आज मैं इस पेड़ को इतना पानी दूंगा कि ये हरा भरा हो जाएगा। मर गए, ऊपर से पसीना छूट रहा और ये बंद भी नहीं हो रहा है, ये कैसी बात है। भागो भागो यहाँ से। ये रायता किसने फैलाया? बोलो, मुंह में दही है क्या? सच बोल दिया तो इनकी भी मेरी तरह पैंट गीली हो जाएगी। अरे तुम ही कुछ बोल दो। मैंने सारा सामान उतरवाकर रूम बंद करके रूम की चाबी इन्हें दे दी थी सर। हाँ दी थी ना, मैंने चाबी आपके कमरे में रख दी थी। तो फिर ये कैसे हुआ? अगर चोर घुसता तो चोरी करता ना, ऐसे तहस नहस थोड़ी करता। किसने तोड़ा ताला? ताला तोड़ने वाले का पता चल गया तो दुम दबा के भाग जाओगे। और वॉचमैन, जब रात को हंगामा हुआ तो तुम कहाँ पर थे? सर वो क्या है, मैं जानता हूँ तुम्हें, सारी गलती तुम्हारी है। रोज रात को पी के टून हो जाते हो, तुम्हारी कंप्लेंट सुन सुन के मेरे कान पक गए। सबसे सच्चे इंसान शराबी होते हैं साहब। अगर डीओ साहब यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आ गए तो क्या जवाब दूंगा उन्हें? और कोई रास्ता नहीं है, ध्यान से सुनो। जब तक कैंटीन का स्टॉक नहीं आता तब तक तुम सब खाने के इस नुकसान को अपने जेब से भरोगे और बच्चों के लिए खाना लाओगे। और तू वॉचमैन सुन ले, मैं तेरी सैलरी काट लूंगा। जाके भूत पकड़ो साहब, हम गरीबों का गिरेबान छोड़ो। पता नहीं ये भूत अब किसका बैंड बजाएगा। प्लेट ठीक से पकड़ो बेटा। हाँ अब तुम आ जाइए। यहाँ जितने भी टीचर हैं सब अपने अपने घर का खाना खाते हैं, और तुम बच्चों के साथ बैठकर वही खाना खाती हो जो बच्चे खाते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है। मौसी अंडा दो। जानती हूँ तुम्हें तो दो अंडे भी कम पड़ेंगे। टीचर चलो शुरू हो जाओ। टीचर पहले खुद खाती है, उसके बाद बच्चों को खाने देती है। टीचर आपको अंडा पसंद नहीं है ना? तो ये भी तुम ही खा लो। थैंक यू। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें सब अंडा बिट्टू कहकर क्यों बुलाते हैं? वो क्या है ना टीचर, जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो उन्हें प्रोटीन नहीं मिलता था, इसीलिए मेरा पैर टेढ़ा हो गया। अब मैं बहुत प्रोटीन खाता हूँ ताकि मेरे बच्चे भी ताकतवर हो। टीचर इसे पूछे सर, इसे भुक्कड़ संध्या क्यों बुलाते रहते हैं? तुम्हें सब भुक्कड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं रोज तीन तीन टिफिन भरकर चावल ले जाती हूँ। इस वाले टिफिन को मैं अभी खाऊंगी, ये वाला चावल मैं रात को खाऊंगी, इसमें पानी डालकर रखूंगी और सुबह ना धोकर नाश्ते में खाऊंगी। मेरे पापा नहीं है, हमारे सर पर 5 लाख का कर्जा है, हम खाने का पैसा बचाते हैं ताकि ये कर्जा जल्दी खत्म हो जाए। टीचर स्कूल का खाना नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। अपनी माँ को आज किसी होटल में खाना खिलाना। आप तो मेरी टीचर है ना, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। और आज के बाद कोई भी एक दूसरे को ऐसे नामों से नहीं पुकारेगा। तुम्हारा नाम बिट्टू है और तुम्हारा नाम संध्या है, ठीक है? ओके टीचर।
टीचर, प्रिंसिपल साहब आपको बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। मैं कम इन सर। कम इन प्लीज। आओ आओ ज्योति बेटा, अगले हफ्ते एग्जाम्स हैं तो हमें क्वेश्चन पेपर तैयार करने होंगे। अब अगर ये काम मैंने किसी और को सौंपा तो काम पूरा होने तक इन बच्चों के भी बच्चे स्कूल में आकर पढ़ने लगेंगे। लेकिन ज्योति, तुम एक जिम्मेदार टीचर हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज भले ही थोड़ी देर हो जाए लेकिन एग्जाम के पेपर्स तुम तैयार कर लो। लगता है मेरी पैंट फिर से गीली होगी। नौकरी से ज्यादा मुझे अपनी जान प्यारी है। 9:11 हो जा बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। क्या हुआ बेटा? बताओ ना बेटा। बेटी, तुम नीचे किस वजह से आई? बता ना, चुप क्यों है बेटा? बस मुझे पता चल गया बाबा। पता चल गया? कैसे पता चल गया? मुझे महसूस हो रहा था। वही तो पूछ रहा हूँ बेटा, तुम्हें आग महसूस कैसे हुई? क्या तुम्हें वो बिजली के तारों की बदबू महसूस हुई? क्या जलते हुए तारों की बदबू ऐसी होती है? एक मिनट रुको। ये सुनो, खुशबू आई? अजीब सी खुशबू है, अच्छी भी और बुरी भी।
अब हाँ, इसे इसे सुनो, खुशबू आ रही ना, आ रही है ना? इन्हें सुनकर अच्छा लग रहा है बाबा। हाँ हाँ, फिर से हाँ बेटा, बहुत अच्छी खुशबू है। अरे वाह बेटा, तू सूंघ सकती है, तेरी शक्ति वापस आ गई बेटा। हे भगवान, हे भगवान, तू सूंघ सकती है बेटा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है बेटा। आजा आजा। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा एक मिनट, बेटा ये आ रही ना, अच्छा लगा ना? मैडम, yes? आपने लड़कों वाला परफ्यूम लगाया है क्या? हाँ, सही कहा तुमने। हाँ? पर इसे कैसे पता चला? अरे वाह ज्योति मैम, तो दिन पे दिन खूबसूरत ही होती जा रही है। बच्चों, मैं अपनी आंखें बंद करने वाली हूँ। जो बच्चे नहाए नहीं हैं या जिनकी यूनिफॉर्म गंदी है, सब अपनी अपनी सीट पर खड़े हो जाओ। तुम सबके सब नहाए नहीं? यस मिस। और क्यों? मिस बताओ। मैं बताऊँ मेरी मम्मी आपके बारे में क्या कहती है? उस खराब नाक वाली टीचर को कुछ नहीं पता चलेगा। मेरी माँ आपके बारे में क्या बोली पता है? प्लीज अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। आज मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, ग्राउंड में पढ़ाऊंगी। बाप रे, आज तो बाल बाल बच गए।
एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन के लीडर मिस्टर चड्डा की डेड बॉडी मिली है। मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस की टीम अपनी तरफ से मामले की गहराई से जांच कर रही है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर का काफिला कभी भी यहां पहुंच सकता है। बताया जा रहा है दोनों करीबी दोस्त थे। सर, मिस्टर चड्डा आपके बड़े ही करीबी दोस्त थे। उन्हें मारने से किसी को क्या फायदा हो सकता है? क्या कर रही हो? फालतू का सवाल मत पूछो, जाओ यहाँ से। सर, हाँ बताओ। सबसे पूछताछ जारी है। यहाँ काम करने वाले मिस्त्री राम सिंह ने सबसे पहले लाश देखी थी। हमने सारे वर्कर्स को यहाँ बुला लिया है और एक एक करके पूछताछ कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है उनकी मौत कोई हादसा है या फिर मर्डर। तफ्तीश जारी है। बड़ा घूर घूर कर देख रहा है। जिन्होंने वोट दिया उन्हें तो पलट के देखता भी नहीं। इसकी डर से फटी हुई आंखें देख रहे हो तुम? इन आंखों में मौत का डर नहीं है, ये आंखें कातिल के डर से फटी हुई हैं। ये गारंटीड मर्डर है। सर, ये किसी एक कातिल का काम नहीं हो सकता। अब कातिल एक था या दस थे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो कोई भी था 12 घंटे के अंदर मेरे ऑफिस में होना चाहिए उसे। मंत्री जी 5वीं कक्षा फेल है, तुमने पढ़ लिख के क्या उखाड़ लिया? निभाओ अपनी ड्यूटी। 12 घंटे हो गए हैं सर, बताइए अब क्या करना है? वही जो हमेशा करते हैं, आसपास की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करो। क्या कर रहे हो? फोकस करो उधर। कंट्रोल सेंटर, मिनिस्टर के घर पे, एक बार और कहिए। सर, चेक कर लिया, कोई फुटेज नहीं है। क्या? नॉर्थ साउथ में भी कोई फुटेज नहीं सर। ईस्ट वेस्ट के इलाके में फुटेज नहीं है सर। ये तुम क्या बोल रहे हो? वो मिनिस्टर हमको मार ही डालेगा। सर, मिनिस्टर को किसने मार दिया? क्या? भैया की मौत कैसे हुई? पहले भैया योगा कर रहे थे, थोड़ी देर पूजा पाठ किया, फिर किसी ने मार दिया। पोस्टमार्टम के मुताबिक रुद्राक्ष माला की वजह से इनकी मौत हुई है। बाहर से किसी के आने या जाने का कोई सबूत नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज में भी आपके भैया और चड्डा जी की मौत के 10 मिनट से पहले से सारी फुटेज पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इस खून और उस खून के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है। मैं खुद कई बार सब चेक कर चुका हूं, किसी तरह का कोई सबूत नहीं है। पॉसिबल नहीं है भाई। फोटो निकालियो, ये लीजिए फोटो देखिए। ये तो किसी हाथी का पैर लग रहा है। ओए, ये कैसे बच गया तेरे से? सॉरी सर, मैं अभी फोरेंसिक वालों को बुला। मैं जल्दी से बुला। कितना कंफ्यूजन है। बड़ा ही रेयर केस है। ये पैर का निशान हद से ज्यादा भारी है, ना ये किसी आदमी का लगता है ना औरत का। खुल के बोलना। जब भी कोई आदमी चलता है, भले ही वो 35 किलो का क्यों ना हो, निशान गहरा बनेगा। और औरत होगी तो 85 किलो की क्यों ना हो, निशान हल्का ही बनेगा। पर इस निशान में आदमी और औरत दोनों का असर दिख रहा है। मतलब किसी किन्नर का काम है? बढ़िया सवाल। करेक्ट जवाब देने के लिए मुझे इस पैर के निशान को चेक करना होगा माइक्रो मिलीमीटर रेंज की एक्यूरेसी पर। फिर सारे फैक्ट्स को मिलाकर चारों तरफ की डेंसिटी पर गौर करने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा। तो इसमें 2 दिन लगेंगे, मैं टूर से लौट कर ये काम कर दूंगा। बाय गाइस, बाय बाय ब्रो। तेरी टूर तो यही कराऊंगा। सर सर सर, सर यहाँ पर खून खराब मत। 2 दिन की कीमत तुझे पता है? नहीं सर, नहीं पता। 2 दिन पहले
मेरा भाई जिंदा था, अब मर चुका है। काम अभी चालू कर। Oh, so sweet, thanks. Happy Teacher's Day. Thank you. कहा था ना मैंने, हमें जरूर मिलवाएगी तकदीर। कॉफी विदाउट शुगर। ये मत सोचना मैं कॉफी पिलाकर भग भग सुनाता रहूंगा। मेरे माँ बाप के मरने का मैंने कभी अफसोस नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी उन्हें देखा ही नहीं। पर मैंने तुम्हें तो देखा है, और अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई ना तो बहुत ज्यादा अफसोस होगा। क्या है ना ज्योति, मैंने जिंदगी में बहुत दुख देखे, अब सुख चाहिए, और तुम मिल गई तो कमी पूरी हो जाएगी। अच्छा वैसे वो तुम्हारे सूंघने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही चुकी है ना, तो मेरे दिल की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दो। मैं इंतजार करूंगा, जब भी जवाब देना हो कॉल कर लेना मुझे। बाय। अरे बाप रे, सपना था। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, देख लेना एक दिन तकदीर हम दोनों को मिलाएगी जरूर। बाबा मैं अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ, खाना खा कर ही आऊंगी। बाय। ज्योति बेटा, तेरी फ्रेंड्स तेरी शादी में कब आएंगी? ये तो अब आप ही डिसाइड करेंगे ना बाबा। हाँ? अरे मतलब तू तैयार है? हाँ बाबा, जितने भी लड़के मुझे यहाँ देखने आए सबने सिर्फ और सिर्फ मेरी कमजोरी ही देखी, और कुछ की नजर सिर्फ हमारी इस छोटी सी जमीन जायदाद पर थी। पर जगन वैसा बिल्कुल नहीं है बाबा। हाँ? उसे पता था ये फैसला आसान नहीं है, पर उसने मुझे पूरा वक्त दिया। वाह, मतलब तू तैयार है, बहुत बढ़िया बेटा, मैं तैयारी करता हूँ, देख लेना। प्यारी बेटी। बहुत अच्छी। अरे वाह, मजा आ गया। फुटप्रिंट की डेंसिटी से पता चलता है कि कातिल कोई किन्नर ही है। सर आपने बिल्कुल सही कहा, यह एक लड़की का ही बाल है। मुझे ये सब मत बता, उसका नाम बता, कैसी दिखती है, कहाँ रहती है, इस बाल की मदद से हम उस तक पहुँच सकते हैं या नहीं? Impossible है सर, इंडिया में ऐसा सिस्टम है ही नहीं। इंडिया क्या, कहीं भी मुमकिन नहीं है। मुमकिन है सर। कैसे मुमकिन है? दुनिया में पहली बार 3 साल पहले किसी ने ये आविष्कार किया था। इन लोगों को इन्फॉर्मेशन आर्टिस्ट कहते हैं। ये मुजरिम के इस्तेमाल की हुई चीज से उसका हुलिया पता लगा सकते हैं। ये टेक्निक कभी फेल नहीं हुई। कैसे? लोग जिस सिगरेट को पीकर फेंक देते हैं उससे, जिस च्युइंगम को खाकर थूक देते हैं उससे, डीएनए टेस्ट के इस्तेमाल से उस इंसान का चेहरा बना सकते हैं, एकदम सेम टू सेम। ऐसे आर्टिस्ट कहाँ मिलते हैं? अमेरिका में। ओह, अमेरिकियों का दिमाग काफी तेज है। ये आविष्कार इंडियन ने ही किया है। प्लीज कम।
प्लीज कम। क्या तुम्हें पूरा यकीन है ये बाल इसी लड़की का है? Yes, of course, 100%। इसका फोटो निकाल और आधार कार्ड के डेटा से मैच कर और घसीटते हुए ले आ। काम हो जाएगा भाई। खड़ी रह। चल बता, जिनको मारा उनसे तेरी दुश्मनी क्या थी? क्यों मारा उनको? चल बता। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ एक टीचर हूँ। मैं तो कीड़े मकोड़ों तक को नहीं मारती, एक इंसान को कैसे मारूंगी? यकीन कीजिए। यहाँ तेरी क्लास चल रही है क्या? मैं जानता हूँ तू नहीं मारा उन्हें, मेरे पास सारे सबूत हैं। जल्दी से बोल, क्यों मारा उन्हें? हाँ? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता? हाँ? तुम सब मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो, पर सच में मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं सब आप नहीं कर सकती, उन्हें किसी और ने मारा होगा। ए, बेबी, हमारे सामने एक्टिंग दिखाएगी? हाँ? प्यार से पूछेंगे तो घुमाएगी। हम सब मिलके तुझे इतना प्यार देंगे कि तेरा मुंह अपने आप ही खुल जाएगा। बेबे, उस तरफ देख। साथ कुछ नहीं करेंगे। आजा, अपनी साड़ी तो ले ले। इधर ही चाहिए। ए, कहाँ बच के जा रही थी? पता नहीं भाई, वो तो जाके देखना। Oh,
कौन है? नहीं पहचाना। कौन है तू? अब तक नहीं पहचाना मुझे। बता दे वरना छोड़ूंगा नहीं। तू तो मर गया था ना? मुझे मरे हुए तो आज पूरे 32 दिन हो गए हैं। मैंने तुझे मारा नहीं। मुझे मुझे कुछ मत करना। मैंने ही तुम्हारे सारे आदमियों को मारा और बचे हुए शैतानों को भी मार डालूंगा। छोड़ दो मुझे, मुझे मत मार। सच में मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगा। तुमने मुझे अपना दास नहीं बनाया ना, तो कसम खा के कहता हूं देवदास बन जाऊंगा। तकदीर ने हमें मिलवाया भी तो किस रूप में? तुम सोच रही होगी कि मेरा यह हाल हुआ कैसे। यह बताने के लिए तुम्हें पूरी कहानी सुनानी होगी। कटेंगे क्या रे शाने? चाय गिर जाती तो? लेकिन गिरा तो नहीं ना, चल पी और निकल। क्या रे छोटू, गंदे पानी में गिलास धोता है तो बदबू आती है, साफ पानी में धोने में क्या तेरे को तकलीफ है? ओए काम के टाइम में पक पक मत कर, नहीं तो गर्म पानी से मुंह जला डालूंगा। चल निकल। वो इस गर्म पानी में गिलास काय को नहीं धोता है तू? सुनो भाई साहब, सुबह सुबह चाय के टपरी पे आके क्यों चाय वाले को परेशान कर रहे हो? अरे टपरी पे कोई ऐसा पटेली दिखाता ही छे, तेरे को तो बाद में देखता हूं।
अबे ये क्या क्या? ओए एड़े, थूकने के लिए कोई और जगह नहीं मिली क्या? मालिक की कार गंदी कर दी। क्या चिलम चली है? देखिए ना मालिक, जब से आया है मच मची कर रहा है। अपन क्या गलत बोला साहब? ये पकड़, ये दुकान आपकी है ना? काम धंधा एकदम टकाटक है। एक चाय कितने की? 10 रुपए की ना, उसमें 2 रुपया लेबर, 3 रुपया टोटल खर्चा। बोले तो पर गिलास 5 रुपया कमाई, और अखा दिन में हजारों गिलास चाय बेचते हो, फिर भी आपका ये छोटू गंदे पानी में गिलास धोता है। गिलास होठ को लगाओगे नाक के बाल जल जाते। चलो उसका भी वांदा नहीं, ये भजिया तो खाने की चीज है ना, इनको तो कम से कम ढक के रखने का ना मामू। सड़क की सारी धूल मिट्टी इन पे ही लगे लिए। पहले भजिए का 15 रुपए दो, फिर डॉक्टर को 1000 रुपए दो। अपन बोला थोड़ा साफ सफाई रखने का, कोई जुर्म किया क्या? 2 टके के छोकरे की लंबी जबान तो देखो, अभी अगर साइलेंट नहीं हुआ तो पुलिस बुला के हवालात में बंद करवा दूंगा। फुटले चल। मामो, अपन धूला है समझा? तू पुलिस की बारात मत बुला, अपनी बारात रेडी है, दिखाऊं तेरे को। ये चाय की नहीं गंदगी की दुकान है ना, इसने हाइजीन कैप पहनी है ना, भजियों को ढक कर रखा है ना, नो स्मोकिंग बोर्ड लगाया है, और चाय पत्ती में मिलावट है, सील इट। तू जानता है किसकी दुकान सील कर रहा है? दुकान सील करने से मैं डर जाऊंगा क्या? मैं टी शॉप ओनर्स यूनियन का लीडर हूँ समझा? इसी शहर में मेरी 152 दुकान है। तेरे जैसे 36 ऑफिसर आए और गए, 1 घंटे में ये सील उखाड़ के तेरे मुंह पर मारूंगा मैं। तेरी तो ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इसकी 152 दुकानों पर मुझे ताला देखना है। कोई पूछे तो बोलना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट असिस्टेंट कमिश्नर जगन का ऑर्डर है। किसी का बाप ये सील नहीं हटा सकता। बाजू हट। ए पेंटर भाई, वो नंबर प्लेट पेंट करने का। बोले तो तेरे को काला पीला कर दूं। सर आप एक क्या कड़ा गेटअप है सर। देर से क्यों आए हो? रास्ते में नेक काम करने के लिए रुक गया था। कैसा नेक काम? एक एक्सीडेंट हो गया था सर। हॉस्पिटल गए थे क्या? नहीं, वीडियो बना के फेसबुक पे फीलिंग सैड वाला पोस्ट डाला। आपको भी टैग किया है सर। ये साइकिल और सामान लेकर जल्द से जल्द ऑफिस में आकर मिलो। सर सर वो सर पूरी दुनिया पोस्ट करती है तब तो कुछ नहीं बोलते। सर कल चाय की दुकान, आज कहाँ रेड मारनी है? आज कोई रेड नहीं, बहुत भूख लगी है, चलो कहीं खाते हैं। ए सक्सेना, भूख लगी है तुझे? मुझे पानी तक नहीं पूछते आज पूछ रहे हैं भूख लगी है कि नहीं। जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? 2 दिन से कुछ नहीं खाया मालिक। तो बताओ कहाँ खाने चले? पास में ही ओनली सांबर करके एक होटल है, वहाँ चलें क्या? इस एरिया का बहुत फेमस होटल है सर, देखिए ना अभी से कितनी भीड़ लगी है, मैं भी रोज इधर ही खाता हूँ। पॉकेट में तो नहीं खाते? सर मैं पैसे देता हूँ, ये लेता ही नहीं। सर यहाँ सेल्फ सर्विस है, आप बैठिए मैं खाना लेके आता हूँ। और पहले पैसे देना। ठीक है आज UPI से देता हूँ। सर प्लीज, आप ऐसे भीड़ में आएंगे तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा? आप लोग प्लीज लाइन में आइए। क्या खुशबू आ रही है सर। ये तू खा, तुम लोग अपना अपना लेके आ जाओ रे। सर खाना सूंघने के बाद मैं रुकता नहीं हूँ, मैं दूसरे हाथ से खा लूंगा। अच्छा हम खाने नहीं आए, रेड करने आए? सर वॉश बेसिन बाहर है, आप अंदर नहीं आ सकते। अभी सॉरी सर। दाल कहाँ से ली थी? सर वो मैं जितना पूछा उतना बोलो। बोल कहाँ से ली? सर ये मैंने एजेंसी से लिया था हमने सर। बोल डाला। Yeah!
क्या मिलाते उस दाल में? पैकेट पर लिखा है साहब, देसी घी वाली दाल है। हम फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, झूठ मत बोल। ओ, ऑफिसर हो तब तो सच बोलना ही पड़ेगा। जानवरों की चर्बी मिलाते हैं, टेस्ट बढ़ता है उससे। पब्लिक दाल के साथ उंगलियां भी चबा डालती है। कितने कमीने हो तुम, दाल में चर्बी मिला रहे हो। उस होटल को वेजिटेरियन समझ के लोग वहाँ खाना खाने आते हैं बे। लिखते हो देसी घी और मिलाते हो जानवरों की चर्बी, क्या यह गलत नहीं है? इसमें गलत क्या है, है? घी आती कहाँ से? मक्खन में से घी निकलता है भैया, सबको पता है। गाय के दूध से दही जमाते हैं और फिर उसे मत कर मक्खन निकालते हैं। पर ये बातें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी। तुम लोग अपना रेट बताओ, जेब गर्म करो और यहाँ से चलते बनाओ। मेरी जेब गर्म नहीं होती है, भेजा गर्म होता है। ए, ये तूने अच्छा नहीं किया, अब तुझे हॉस्पिटल भेजता हूँ। तुझे भेजने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाने वाला हूँ। रुकिए दादी, सक्सेना सर पढ़ो इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। 23/5/1983, ये तो कंपनी खोलने की डेट है सर। जो जानकारी जरूरी नहीं है वो तो क्लियर है, पर एक्सपायरी डेट को काट के मिटा दिया गया है। इस पैकेट को लेकर आओ मेरे साथ। इस ब्रेड की एक्सपायरी डेट बताना। छपा तो है उसके ऊपर, पढ़ना नहीं आता क्या? साफ साफ दिख नहीं रहा, तुम ही पढ़ के बता दो मुझे। अरे भाई धंधे का टाइम है, दिमाग मत खराब करो, लिखा है इस पे, जाओ जाके अपना काम करो। ए, ये अपना काम ही कर रहे हैं। क्या क्या घूर क्या रहा है? हम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से आए साहब जी। हर पैकेट ऐसा ही है, धोखेबाज कहीं के पब्लिक को मामू बनाने के लिए एक्सपायरी डेट मिटा के ब्रेड बेच रहा है। किसी पैकेट पे डेट नहीं है सर। सिर्फ ब्रेड ही ऐसी चीज है जिसे गरीब मरीज खरीद कर अपना पेट भर सकते हैं, और तुम उसे खराब होने के बाद बेच रहे। ब्रेड की शेल्फ लाइफ सिर्फ 4 दिन की होती है, अगर 10 दिन बाद कोई खाए ना तो जानते हो उस इंसान का क्या हाल होगा। होना क्या है सर, बीमारों के इसी अस्पताल में आएंगे, इस कैंटीन का धंधा चलेगा, है ना? वो बात नहीं है साहब। इस कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है साहब? कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है? ए, क्या पूछ रहे हैं, मुंह में ब्रेड भरी है क्या, बोलना। वो इस हॉस्पिटल का डीन है सर। मुझे इस मैटर में मत फंसाओ साहब, वरना मेरी कुर्सी कट जाएगी साहब। अकेली सिर्फ तेरी कुर्सी नहीं कटेगी। आपका मतलब डीन साहब? सक्सेना तुम पहुंच गए ना? सर आपके कहे मुताबिक फैक्ट्री के सामने ही खड़ा हूँ। गुड, अगर कोई गाड़ी बाहर निकले तो उस पर नजर रखना। सर एक ब्राउन गाड़ी आ तो रही है। ठीक है, उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर। ठीक है सर। कहाँ तक पहुँचे? सर नॉर्थ साइड फ्लाईओवर के ऊपर। ठीक है, पीछा करते रहो सक्सेना। सर गाड़ी शहर से बाहर निकल चुकी है। इसका पीछा करता रहा तो कन्याकुमारी तक ले जाएगा सर ये मुझे। कुछ भी हो जाए वो गाड़ी हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, पीछा करते रहो। सर गाड़ी कचरा पट्टी के अंदर घुस गई है। तब तक पीछा करते रहो जब तक वो गाड़ी कचरा ना गिरा दे। सरकारी अफसर होने के बावजूद कचरा उठाना पड़ रहा है। क्या नहीं ये लोग? सर गाड़ी कचरा गिरा के चली गई। सर हेलो, स्विच ऑफ है। हाँ जाते हैं चार चार चिल्लाते रहते हैं मगर अपना फोन चार्ज नहीं करते हैं। सक्सेना। अरे सर मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे मुंह से निकल गया सर। अब क्या करना है सर? कचरे की तलाश लो। सर मैं एक ऑफिसर हूँ। और मैं एक सीनियर ऑफिसर। जो हुक्म मेरे आका।
सर ये क्या है? अच्छा खासा ड्रम तोड़ के फेंक दिया। लोग इसमें पानी वानी भर के रखते हैं। हमारे घर में तो राशन रखा जाता है इसमें। इसे बेच के 2-3 हजार तो मिल जाता सर। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। सक्सेना है? ढूंढो यहाँ कहीं ऐसा टुकड़ा और। हाँ सर। अरे बाप रे। सर यही ढूंढ रहे हैं। फॉर्मलिन? कोई फूड कंपनी फॉर्मलिन का क्या करेगी? सक्सेना समझ गया सर। कटिंग कटिंग है, कटिंग शेयर करेगा। सब गया सोने चांदी, सब गया। कटिंग कटिंग है, जमीन जायदाद गई, सब बेच डाला मैंने। मुझे अब कुछ नहीं बचा। ये दारू ने मुझे नंगा कर दिया भाई। इज्जत उतर गई है तेरी। संभाल, दारू बंद करो। तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। इधर से निकल। वही तो बोला मैं। वही वही ये सब बंद कर दो। कटिंग ए, कटिंग कटिंग। बड़े भाई मुझे भी कटिंग में पीनी है। अच्छा 10-10 रुपए कम है। आजा आजा कोई बात नहीं। थैंक यू भाई। यार चखने पे भी GST। छोड़ना वो सब। अच्छा सुन, तुझे GST के बारे में पता है क्या? आप ही बता दो ना। सामान एवं सेवाओं का कर। मतलब? मतलब उसने हमको सामान दिया ना, और इस सेवा के लिए हम उसे टिप देते हैं, समझा? यही है सामान एवं सेवाओं का कर। क्या बढ़िया बताया भाई। पब्लिक को ऐसे ही समझ में आता है, उन्हीं की लैंग्वेज में समझाने का ना। पर एक बात है, जायदाद बराबर बटे ना बटे, शराब बराबर बटनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर का पैक थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना सकते ना, चढ़ेगी नहीं तो बताएंगे नहीं। तुम कौन हो भाई? अभी आगे सर समझाएंगे। मैं कौन हूँ ये जाने दो, तुम तो खुद को भी नहीं पहचानते। माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट हो ना, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट। एक शानदार फूड कंपनी में 75,000 मंथली सैलरी। चाहते तो किसी अच्छे से होटल में बैठकर पी सकते थे, पर तुमने उस नौकरी को लात मार दी। और ऐसे छोटे से दारू के अड्डे पर कटिंग दारू पीते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बारे में तुमको कैसे पता? शर्म तो आती है सर, ऐसी घटिया कंपनी में काम करके शर्म तो आएगी ना। मेहनत और ईमानदारी की कोई वैल्यू नहीं है सर, सब किताबी बातें हैं। उस फैक्ट्री में काम करने से अच्छा है मैं यहाँ दारू पीकर अपनी जान गंवा दूं। तुम जिस फूड प्रोडक्ट कंपनी में काम करते थे वहां फॉर्मलिन यूज होता था? फॉर्मलिन ही नहीं सर, करें सर इस बार का बिल भर दूं क्या मैं? जो भी बिल है उसे भर दो और इस अड्डे को सील कर दो। इधर भी रेड हो गई, पता ही नहीं चला। बाप रे बाप। एक्सक्यूज मी, रुक जाइए, आप लोग कौन है और यहाँ पर कैसे आए? वो तालाब से राइट लेके गोल चक्कर से लेफ्ट लेके यहाँ पहुँच गए। और बोलूं? फूड सेफ्टी ऑफिसर्स। ये क्या नौटंकी है, हर हफ्ते आप लोग चले आते हैं अपनी खातिर करवाने के लिए। पिछले हफ्ते ही आपकी टीम आई थी, हमसे दूध का सैंपल लेकर गई, उसे सर्टिफाई भी किया है ओके करके, अब फिर से यहाँ आने का क्या मतलब? राम सिंह ये सर्टिफिकेट एम्स का है, ये पुणे इंस्टीट्यूट का, और ये तुम्हारे अपने डिपार्टमेंट ने इश्यू किए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनसे जाके बात करो ना। उसकी जरूरत नहीं है। प्रभाकर अरे तुझे तो निकाल दिया था ना, तू लेके आया इनको? हम इसे लाए हैं। चल हट, सुनिए तो। सर सर मुझे अपने बॉस से बात करनी पड़ेगी। अरे ओ जीनियस, इधर जैमर लगे हैं, कॉल वॉल जाएगा नहीं। हेलो सर। हेलो बोलने से फोन नहीं लगेगा। प्रभाकर सर। सर बिना बॉस के परमिशन के आप चेक नहीं कर सकते। आई एम वेरी सॉरी। सक्सेना हैं? जब तक दूध में मिलावट की जांच पूरी नहीं हो जाती ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। दैट्स माय ऑर्डर। प्रभाकर रेडी हो ना? रेडी सर। बताओ
इस दूध में क्या क्या मिला? सर, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए दूध में मेलामाइन मिलाया गया है। मेलामाइन क्या है? मेलामाइन एक केमिकल है। जब 1 लीटर दूध में पानी मिलाकर उसे 4 लीटर बनाते हैं तो दूध के अंदर का प्रोटीन लेवल भी घट जाता है। इसी प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये दूध में मेलामाइन मिलाते हैं। नेक्स्ट, दूध को गाढ़ा बनाने के लिए इसमें यूरिया भी मिलाया गया है। वो भी मैक्सिमम लिमिट से डबल मात्रा में है सर। नॉर्मली 100 मिलीलीटर में 70 मिलीग्राम ही अलाउड है, पर इसमें तो 200 mg है सर। यूरिया तो खेतों में भी नहीं डालना चाहिए, और तुम दूध में मिला के और क्या क्या मिला है? सर, दूध को चिकना बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा भी यूज किया है। ए, ये क्या दूध में सोडा डाला हुआ है? बेवड़े लोग दूध में दारू पियेंगे। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? जवाब दो मुझे। डिटर्जेंट। टॉयलेट और कपड़े धोने में काम आता है वो, और तुम झाग बढ़ाने के लिए उसे दूध में डालते हो, है ना? नेक्स्ट। सर, दूध को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मलिन मिलाया गया है। फॉर्मलिन। तुम्हें पता है फॉर्मलिन का सही इस्तेमाल क्या होता है? लाश को सड़ने से बचाने के लिए। इस केमिकल को तो सूंघना भी खतरनाक होता है, और तुम इसे दूध में मिला रहे हो जिसे मासूम बच्चे पीते हैं। सर, सही मायनों में ये दूध नहीं, स्लो पॉइजन है। मरने के बाद भी दूध का इस्तेमाल होता है, पर तुम लोग दूध पिलाकर जीते जी लोगों को मार रहे हो। परंतु से कम अब तो समझ जाओ ज्योति, मैं चाहता हूं तुम खुद अपनी हिफाजत कर पाओ। हाँ सर, सारे सबूत सही सलामत है सर। ठीक है, 10 मिनट में पहुंचता हूं। सर, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने काबिल हो। जनता तो बस पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के बारे में ही जानती है, पर आज तुम्हारी वजह से लोग फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी जाने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। उम्मीद है तुम्हारे पास सबूत होंगे। दिखाता हूँ सर। इसका नाम सूरज चड्डा है, ट्रेडर्स यूनियन का लीडर और टी शॉप ओनर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। जब हमने इसकी दुकान के टी सैंपल उठाकर चेक किए तो इसकी चाय पत्ती में अफीम मिलाया हुआ पाया गया। पर चाय में मिलाने के लिए ओपियम आया कहां से? दिनेश वर्मा, केरला के सबसे बड़े चाय बागानों का मालिक। आमतौर पर टी प्लांट के 10-12 साल का होने के बाद ही पत्तों में सही ताकत, फ्लेवर और टेस्ट आता है, मगर इन टी प्लांट्स को 2 से 3 सालों में तैयार समझ लिया जाए और पत्तियों को जितना हो सके जल्द से जल्द तोड़ लिया जाए तो ताकत, फ्लेवर और टेस्ट इनमें से कुछ भी नहीं मिलता। लोगों को इस बिना स्वाद वाली चाय का आदि बनाने के लिए चाय पत्ती में अफीम मिलाया जाता है सर, जिसे पीने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। सबसे बड़ा खतरा अतड़ी का कैंसर। इसका नाम है डैनियल, क्लीन वाटर कंपनी का मालिक। सब जानते हैं रोज 6 लीटर पानी पीने से शरीर की 40,000 बीमारियां ठीक हो सकती हैं, पर जो इंसान इसकी कंपनी का बना क्लीन वाटर पानी पीता है उसे 40 लाख बीमारियां हो सकती हैं। हर इलाके में ऐसे डायरेक्ट नल से भरी पानी की बोतलें बेची नहीं जाती, वहीं बिकती हैं जहां लोगों का आना जाना ज्यादा होता है। इन बॉटल्स पर लिखा एड्रेस और दूसरी जानकारियां सब झूठी होती है। अरे बाप रे,
ये है विकी मल्होत्रा, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जबरदस्त पहुंच रखने वाला बिजनेसमैन, हेल्थ मिनिस्टर का इकलौता और लाडला भाई। मिनिस्टर के रसूख का फायदा उठाने का मौका कभी नहीं चूकता, और इसका फेवरेट बिजनेस है कुकिंग ऑयल। सब जानते हैं ज्यादा ऑयल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, पर अगर कोई इसका बनाया तेल इस्तेमाल करता है तो उसकी जिंदगी और छोटी हो जाती है, क्योंकि इसका जो तेल है वो रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं है, रिसाइकल्ड ऑयल है। अगर इस घटिया तेल को कोई 50 बार भी यूज करे तो भी इसका रंग नहीं बदलता, हमेशा एकदम ब्रांड न्यू लगता है, और इसकी वजह यह है कि इसमें टार मिलाया जाता है। इस तेल को एक बार इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, पर पहली बार सिर्फ 5-स्टार होटल में ही होता है, और उसके बाद उसका क्या होता है ये हमने पता करवाया। वहां से सीधा भजिया बनाने वाले और चाय बनाने वालों की टपरी पे जाता है। सिर्फ कुकिंग ऑयल ही नहीं, इसके और भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म जो करीब 50 एकड़ जमीन पर फैला है। किसी चूजे को बड़ा होने में करीब 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, तभी ये सेहतमंद रह पाते हैं। पर इसकी पोल्ट्री फार्म में पलने वाली मुर्गियों को कोलिस्टिन नाम की एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे सिर्फ 48 दिनों में ही इनका वजन बहुत बढ़ जाता है। इस एबनॉर्मल ग्रोथ से इन्हें खाने वाले कई बीमारियों के शिकार होते हैं, खासकर अगर इन्हें छोटी बच्चियां खा लें तो 7 से 10 साल की उम्र में ही उनका शरीर टाइम से पहले जवान हो जाता है। उनके पीरियड की साइकिल पर बहुत बुरा असर पड़ता है, फिर धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती है और यूट्रस कैंसर हो जाता है। अगला बिजनेस वो चीज जो हर घर की जरूरत है, दूध। मेरे पास उनके खिलाफ दूध में मिलावट करने के सारे सबूत हैं, और इसीलिए मैंने कल ही उनके सबसे बड़े प्रोडक्शन प्लांट को सील कर दिया था। इतना नहीं, हाइब्रिड केला जो कभी नहीं सड़ता, सेब पर वैक्स की पॉलिश करके उन्हें चमकाया जाता है, स्टीम इडली को प्लास्टिक में पकाते हैं, कुत्तों के मीट को मटन बोलकर बेचते हैं, और ऐसी सैकड़ों चीजें हैं। आज के जमाने में खाकर सेहत बनती नहीं है सर, उल्टा खाकर वो खराब होती है। इस जहरीले खाने को हम जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ही तेजी से हॉस्पिटल जाएंगे। अगर इस मिलावट को नहीं रोका तो कैंसर और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये कैंसर कोई बीमारी नहीं है बल्कि धंधा है, इसलिए मैंने उन जगहों को सील कर दिया। मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं जगन, मैंने तुम्हारे जैसा ईमानदार ऑफिसर कभी नहीं देखा। हम किसी एक को भी बचने नहीं देंगे। अच्छा किया तुमने सील कर दिया। मैं इन मुजरिमों को कटघरे में खड़ा करूंगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त लीगल एक्शन लूंगा। सारे के सारे सबूत मेरे हवाले कर दो। क्यों सर? ताकि सारे सबूत उन्हें लौटा दें। सिर्फ सूंघ के समझ जाता हूं कि किसी चीज में मिलावट है या नहीं। फिर आप तो मेरे सीनियर हैं, आपकी इंसानियत में मिलावट है। इतनी सारी फर्म और कंपनी बंद करने के बाद भी मुझे ताज्जुब हो रहा था कि अभी तक आपका कोई फोन नहीं आया। उन गलत धंधे वालों ने एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। तब मुझे अंदाजा हो गया तुम सबके सब मिले हुए हो। आपने सोचा था ये सारे सबूत आप मुझसे हथिया लेंगे, है ना? मैंने आपको ये वीडियो इसलिए दिखाई कि शायद ये सब देखकर आपके अंदर का सोया हुआ इंसान जाग जाए। मगर अभी आप इस मिलावट के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो आई एम रियली सॉरी सर, आपको भी जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अबे लौंडे, पहले अपने आप को तो बचा ले। सब के सब अपना जमीर बेच चुके हो। क्यों बे? सोचा पढ़ा लिखा ऑफिसर है तो लड़ाई नहीं जानता होगा। ए, चाहता क्या तू? हाँ, जमीन खोद के गाड़ दूंगा। सारे भेड़िए सही जगह इकट्ठा हुए हो, अपने आप को सरेंडर कर दो। मेरे कंपनी में पैर रखते ही सभी ऑफिसर्स के पैर कांपने लगते हैं, जानता है क्यों? क्योंकि उनकी एक फैमिली होती है। पर तू तो अनाथ है, इसीलिए तेरे अंदर डर नहीं है।
पर तू हमसे डरेगा। मैं सिर्फ भगवान से डरता हूँ, इसलिए आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। जुर्म कबूल करके मेरे सामने घुटने टेको और सरेंडर करो, वरना तुम्हारी आने वाली नस्ल भी वही जहर खाएगी जैसे तुम दूसरों को खिला रहे हो। चुप कर, हमारी नस्लें खाएंगी नहीं बल्कि दूसरों के गले में ठूसेंगी। आज तो बस ये कमिश्नर हमारा पिल्ला है, कल अदालत और सारे मिनिस्टर हमारी जेब में होंगे। सुन, ऐसे सबूत हम अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। अदालत चाहे तुझे छोड़ दे, पर मैंने ये वीडियो हर सोशल साइट पर डाल दिया है जो वायरल भी हो चुकी है। तेरे प्रोडक्ट पर जो लोगों को भरोसा था वो मैंने तोड़ दिया। ऐसे हजारों वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते हैं, लोग शौक से देखते हैं, फॉरवर्ड भी करते हैं, पर फॉलो नहीं करते। अगर तुझे मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया है और माना कि तूने मेरी कंपनी सील भी कर दी, तो उसी बिल्डिंग में मैं एक और कंपनी शुरू करूंगा। लोगो बदल दूंगा, पैकेजिंग बदल दूंगा, प्रोडक्ट का कलर भी बदल दूंगा, एडवर्टाइज भी अलग करूंगा, और लोग मेरा माल खरीदने आएंगे। जिस प्रोडक्ट को तूने मिलावटी बताकर हटाया वो वही रहेगा। हम बोर्ड बनवाकर ऑर्गेनिक होने का दावा करेंगे, जिसे देखकर पब्लिक 10 रुपए ज्यादा देगी, समझे? मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा। जब तक जनता जीप की गुलाम रहेगी, हम फायदे में रहेंगे। तुम गुनाह कर रहे हो, लोगों के खाने में जहर मिलाकर अपनी जेबें भर रहे हो। तुम्हें अपने जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। जुर्म का मतलब जानता है? एक जमाने में लोग खेतों से चूहे पकड़कर भूनकर खाते थे, आज लोग चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन बर्गर, जो दिल में आए खाते हैं। जो लोग पहले दिवाली और होली पर पकौड़े और भटूरे खाते थे, आज मसालेदार चीजें खाते हैं। पहले सुबह उठते ही लोग चाय पीकर खुद को खुश नसीब समझते थे, आज उठते ही अलग अलग प्रोटीन शेक पीते हैं, और वो भी मेरे बनाए हुए दूध की बोतल में मिलाकर गटक जाते हैं। यही तरक्की है, पहले सिर्फ पैसे वाले और उनके बच्चे ही दूध पी सकते थे, लेकिन आज रास्ते का भिखारी भी 10 रुपए की दूध की थाली खरीद कर पी सकता है। समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलावट ही सलूशन है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, सबको शुद्ध चीजें देना मुमकिन है क्या? कल तक भूखे मरने वाले आज भरपेट खाकर चैन से सोते हैं, तो बढ़िया खाना खाकर 80 साल की उम्र तक जीना हर एक के बस की बात नहीं है। तो जो उन्हें पसंद है खाने दो उन्हें, और 40 की उम्र में खुशी खुशी मर जाने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारे काले धंधों को बंद कराऊंगा और लोगों को जागरूक बनाकर इस मिलावट के खिलाफ खड़ा करूंगा मैं। चुप कर। अगर आज तुझे जिंदा छोड़ दिया तो कल 100 खड़े हो जाएंगे और परसों 1000। इस वक्त भी सैकड़ों टपरी वाले और डिपार्टमेंट स्टोर वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं कि तुझे हम कब मारेंगे। बाहर निकालो, हम देख लेंगे। उसे हमारे पास छोड़ दो, हम देख लेंगे। आवाज आई उनकी, अब तुझे और तेरी सच्चाई को कुचल देंगे। बातों में टाइम वेस्ट मत करो, मार डालो इसे। तेरी तो Ah!
जल्दी आओ, बैठो। जाओ पकड़ो उसे। तुम एक के बाद एक दुश्मन क्यों बनाए जा रहे हो? उन्हें लोगों के खाने में जहर मिलाने से रोकना गलत बात है। हाँ, ये गलत है, क्योंकि सब ये बात जानते हैं, सबको पता है वो जहर खाते हैं, जहर भी वही देता है और इलाज भी वही करवाता है, एक ही इंसान, फिर भी कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। आज 100 लोग आए थे, कल 400 लोग आएंगे, सबको मारोगे? हाँ मारूंगा। मेरी बात सुनो, वो हमारा पीछा कर रहे थे, अगले स्टेशन पर हथियार लेकर खड़े होंगे, कैसे बचोगे उनसे? ये जिद छोड़ दो। कोई एक जगह दिखाओ जहां पर मिलावट नहीं है, सबको छोड़ दूंगा। इस देश में ऐसी कोई जगह नहीं है। देख भाई, अच्छा काम करने के लिए भी 4 लोग चाहिए। उन 4 को इकट्ठा करने के लिए जो पहल चाहिए वो मैंने की है, बाकी 3 कभी नहीं आएंगे। तुम ही पहले इंसान बनोगे और आखिरी भी। सबको अच्छा खाना मिले, बचपन से यही मेरी इच्छा है, यही सपना है। तुम्हारा यही सपना कभी पूरा नहीं होगा। मान जाओ मेरे भाई, तुम्हारी शादी होने वाली है, ज्योति के साथ प्यार की जिंदगी बसर करना। प्यार का वास्ता देकर कमजोर कर रहे हो। उस लड़की से मैं जितना प्यार करता हूँ ना, उससे कई गुना ज्यादा अपने फर्ज से करता हूँ मैं। देखो भाई, मान जाओ, इस रास्ते पर खून ही खून है, मान जाओ, वरना हम सब बलि चढ़ जाएंगे। तो गद्दार निकला। देख मेरी बात सुन, तुझे मरना ही होगा। अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो वो मेरे बीवी बच्चों को मार देंगे। मैं तो तभी मर गया जब तूने चाकू निकाला। मुझे अनाथ का माँ और बाप सब तू ही तो था। मेरे अपने भी चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। जब मैं जीते जी किसी चीज में मिलावट को बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो अपनी मौत में मिलावट कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा? एक बात याद रखना, मेरी जिंदगी और मौत उनके हाथों में नहीं, पर उनकी मौत मेरे हाथों में ही लिखी हुई है। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा सपना हमेशा जिंदा रहेगा। हेलो, कहाँ? ठीक है, मैं देखता हूं। ओए, चल गाड़ी घुमा। हाँ भाई। ओए, जाके देख जिंदा है या मर गया। पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दे इसे, उसके बाद समंदर में फेंक दियो। मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी खुद की जिंदगी दांव पे लगा दी। जिन 3 शैतानों ने पैसों के लिए खाने को जहर में बदल दिया था, मैंने ही तुम्हारे जरिए उन्हें उनके कर्मों की सजा दी थी।
जाने दो। काश दरवाजा खोले रे। अब तुम ही बताओ, जो मैंने किया वो सही था या गलत? गलत था। तुमने पाप किया, तुम किसी की जान कैसे ले सकते हो? उन मुजरिमों को कानून सजा देगा। कानून तो उन्हें छू भी नहीं सकता ज्योति। तुम मुझे क्यों इस्तेमाल कर रहे हो तुम? मैं तो किसी कीड़े को भी मारना पाप समझती हूँ जगन। इसीलिए तो मैंने तुम्हारा शरीर चुना। तुम मुझ जैसी हो और मैं तुम जैसा। तुम्हारा दिल मेरे जैसा पवित्र है। तुम चाहे जो भी कह लो, अपने पाप को पुण्य नहीं बना सकते। तो क्या चाहती हो तुम मुझसे? दूर चले जाओ मुझसे। ये तो नहीं हो सकता। अभी दो शैतान और बचे हैं। जो करना है करो, पर प्लीज किसी के खून से मेरे हाथ गंदे मत करो। तुम जैसे इंसान को प्यार किया सोच कर भी शर्माती है। अब मेरे करीब आने की सोचना भी मत। अगर तुमने मुझे एक और खून करने के लिए मजबूर किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे अपनी माँ की सौगंध है। इतनी बड़ी सौगंध मत खाओ ज्योति। जो लोग आज खाने को जहरीला बना रहे हैं, कल वो दवाइयों में भी जहर घोलेंगे। हम उन दरिंदों को छोड़ नहीं सकते और मेरे बिना वो तुम्हारा सांस लेना मुश्किल कर देंगे। मेरी बात मान लो ज्योति, मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे हिम्मत है तो सामने आ। जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ फूड सेफ्टी ऑफिसर जगन। शांत पार्टनर शांत। अगर वो कोई इंसान होता तो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे जहन्नुम भेज देते। पर वो तो एक प्रेतात्मा है, उससे उसी के तरीके से निपटना होगा और वो मैं जानता हूँ। संध्या, आज ज्योति मिस नहीं आई? लगता है आज उन्होंने छुट्टी ले ली है। अरे, एक अंडा कम पड़ गया। मौसी, आप अंडा रखना तो भूल ही गए। ये ले लो। क्या जमाना आ गया, दुनिया कितनी बदल गई है। आजकल के बच्चे तो समझ से ही परे हैं। अब उस जगन को ही देख लो, जब वो हमारे घर आया था कैसा नाटक कर रहा था। एकदम शरीफ, एकदम नेक। जब थोड़ा सा करीब से देखा, एकदम झूठा और मक्कार निकला। उस दिन तो बोल रहा था वो तुम्हें छोड़कर और किसी को देखेगा भी नहीं, और अब देखो जरा, उसको परदेश में नौकरी मिल गई है। तुमसे ज्यादा उसे तरक्की प्यारी लगी। मुझे लगा कि वो परदेश से जवाब देगा, वहां से वापस आकर तुमसे शादी करके तुम्हें भी वहां ले जाएगा। एकदम गलत सोच रहा था मैं। वो आपको क्या जवाब देगा जो इस दुनिया में ही नहीं? बेटी, जगन की मौत के बारे में आपसे पहले ही मुझे पता चल गया। हेलो मैडम, प्लीज जल्दी आइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सारे बच्चों को एडमिट करवाना पड़ गया हॉस्पिटल। डॉक्टर भी कुछ बताने से मना कर रहे हैं। मुझे झाग निकली, सारे बच्चे बेहोश हो गए। हे भगवान, क्या हो गया बेटा? एम्बुलेंस बुलाओ। सबको उठाओ, हॉस्पिटल लेकर चलो। पासी के गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चे खाना खाते खाते अचानक ही बेहोश हो गए। मौत के मुंह में समाए बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। डॉक्टर्स की एक टीम इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज कर रही है। उनके मुताबिक सभी बच्चों की हालत बेहद गंभीर है। Oh, my God.
बेटे डॉक्टर देखो क्या कर रहे हैं, ठीक तो हो जाएगा बेटा। डॉक्टर देखो इसको क्या हो गया, डॉक्टर सांस रुक गया डॉक्टर। अरे ये क्या हो गया मेरे बच्चा, क्या हो गया मेरे बच्चे को डॉक्टर। बेटा मैं अच्छे से पढ़ के बड़ा डॉक्टर बनूंगा टीचर, तभी तो मेरे जैसे अपाहिज बच्चों का बहुत ही बढ़िया इलाज कर पाऊंगा। पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं खूब कमाऊंगी, तभी तो मैं दूसरों को खाना खिला पाऊंगी। अरे मेरी बच्ची को मार दिया भगवान। अरे ये क्या किया, मेरी बच्ची को मार डाला मेरी बच्ची को। पढ़ाई करके मैं आपकी तरह बहुत बड़ी टीचर बनूंगी। नमस्कार, आज की ताज़ा खबर। तिलक नगर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में 10 स्टूडेंट्स अचानक बेहोश हो गए और 5 की मौत हो गई। इस हादसे की वजह थी स्कूल के बाहर मिलने वाली मिलावट वाली आइसक्रीम। हेल्थ मिनिस्टर ने इस पूरी घटना पर अफसोस जताया है और कहा है कि अपराधियों को सजा मिलेगी। ये खबर सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। स्कूल में सुरक्षा इंतजाम बहुत ही बढ़िया था, लेकिन बच्चे बाहर जाकर आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, उसकी वजह से ये घटना घटी है। हम मरने वाले बच्चों को 5 लाख और जिनकी सर्जरी हुई है उन्हें 1 लाख का वादा करते हैं। हमारे पत्रकार उस देखा मैडम कितनी आसानी से अपनी गलती उन्होंने दूसरों में डाल दी, और वो बाहर की आइसक्रीम खाकर बेहोश नहीं हुए थे, लंच स्कीम में आने वाले अंडों से बेहोश हुए थे। जिसने अंडे खाए सब एक एक करके बेहोश हो गए थे, जिन्होंने अंडे नहीं खाए सबके सब ठीक है। इन सभी बच्चों की मौत की असली वजह ये डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं मैडम, केस ही बदल दिया इन्होंने। बटुकनाथ का पापा आ जाइए, आगे आइए और साइन कर दीजिए। रुक जाओ, कोई भी अपने बच्चे की बॉडी नहीं ले जाएगा। मरने वाला एक भी बच्चा आइसक्रीम खाकर नहीं मरा, वो सबके सब स्कूल में लंच खाकर मरे थे। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती हमें लड़ना होगा। बेटी आज तक गरीब को इंसाफ मिला है क्या, बताओ सच्चाई के लिए लड़ने से बच्चे वापस आ जाएंगे क्या। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप सवाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बच्चे के कातिल को जाने दे। आप तो सवाल उठाने को कहती है लेकिन अपना मुंह बंद करने के लिए हमें 5 लाख रुपए मिल रहे हैं मैडम। मेरी बेटी मेरा कर्ज उतार कर गई। जब मेरे घर में अपाहिज बच्चे ने जन्म लिया सोचा क्या जिंदगी दूंगा उससे मैं, पर आज वो अपनी जिंदगी लेकर चला गया। इनके दिए पैसे लेने और कागज पर साइन करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था मैडम। ये क्या हो रहा है सर, इसकी वजह मिलावट है, हम छोटे लोग ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम सब मजबूर हैं ज्योति। आप भी चुपचाप हार मान रहे हैं सर। हमारा काम बच्चों को सिर्फ पढ़ाना लिखाना होता है, हम कातिलों को सजा नहीं दे सकते, कभी नहीं बेटी। डॉक्टर तुम हो या मैं, 4 डिग्रियां क्या ले ली, किसी पर भी उंगली उठा लोगी क्या। मैं MBBS डॉक्टर हूँ और तुम 5वीं की टीचर, मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। उनके घर वाले मान गए तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मुझे भाषण देने की बजाय बाहर लोगों से मिलो। मुझे पता है किससे मिलना है और क्या करना है। Oh,
देखा, अब जाकर कलेजे में ठंडक पहुंचे, इसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा दो। ये कांटा भी हट गया तुम्हारे रास्ते से। अब ये आत्मा तुम्हें नहीं सताएगी, पर अभी से इतना खुश होने का जरूरत नहीं। पूरी आत्मा का खात्मा करना बहुत आसान होता है, लेकिन अच्छी आत्मा को खत्म करने में वक्त लगता है। हम कल सूरज डूबने का बाद मैं इसको पूरी तरह से अपने काबू में कर पाएगा। अगर इस प्रेत आत्मा को हमेशा के लिए शांत करना चाहते हो तो ये जिस भी शरीर को धारण करे और तुमसे बदला लेने आती है तो उस शरीर को फिनिश करना होगा। उसे जलाकर उसकी राख गंदे नाले में बहानी होगी। तुमने जगन की राख को समंदर में बहाकर सबसे बड़ी गलती की थी। इससे वो आत्मा और भी ज्यादा शुद्ध और ताकतवर हो गई और तुमसे बदला लेने लौट आई। अब उस लड़की को लाओ और उसे जलाकर उसकी राख को गंदे नाले में बहाना होगा। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया ना कि पॉसिबल नहीं है, फिर क्यों पीछा कर रही हो? इस लैब रिपोर्ट में अंडों में मिलावट होने की बात लिखी है सर। ये सब बेकार है। डॉक्टर ने खुद सर्टिफाई कर दिया है कि मौत आइसक्रीम खाने से हुई थी। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और उस आइसक्रीम वाले को अरेस्ट भी कर लिया है और हेल्थ मिनिस्टर भी इस पर बयान दे चुके हैं। तुम्हारी इस रिपोर्ट से हम कुछ नहीं उखाड़ सकते और तुम कह रही हो केस लड़ो, किस आधार पर? अगर लड़ भी लूं तो जीत का चांस नहीं। क्या आपको भी उन बच्चों पर दया नहीं आती? आपको नहीं लगता बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए? मुझे पता है केस लड़ने से वो बच्चे वापस नहीं आएंगे, पर क्या उनकी मौत की सच्चाई भी दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए सर? तो क्या चाहती हो, सच्चाई को सामने लाना? बस इतना ही ना? लाओ रिपोर्ट। इस दुनिया में सच्चाई का बस यही हाल होता है। ए लड़की, खतरा क्यों मोल लेती है? तेरा आशिक तो मर चुका है ना, चुपचाप घर पर बैठकर उसकी मौत का मातम क्यों नहीं मनाती? टीचर तो दिल की अच्छी होती है ना, फिर हमें क्यों सता रही है तू? मुझे जाने दो। तुझे जाने दूं और उसे आने दूं ताकि वो फिर से तांडव मचाए? दोनों ने मिलकर नाक में दम कर दिया है, चलो। जागर, तूने सच कहा था, मैं ही गलत सोच रही थी, मैं गलत थी। कहाँ हो तुम जागर? लौट जाओ। ए, पेट्रोल से भिगा इसे। Oh, my God.
रुक जा। सबको शुद्ध खाना मिले यही सपना था ना तुम्हारा। इन्हीं की वजह से 5 मासूम बच्चे मारे गए जगुल। प्लीज इन्हें किसी और की जान से मत खेलने दो। इन सबको मौत के घाट उतार दो। मार डालो इन्हें। आग लगा दे इसे। और कितनी बार जलाओगे मुझे? वाले प्लीज इस प्रेत से बचा ले। मुझे लगता है ये प्रेत आत्मा मुझे मार के ही दम लेगी। कर ले मरे वे को मार नहीं सकता है तू। पार्टनर बचाओ।
छोड़ दो, प्लीज मुझे नहीं मरना। मरेगा नहीं, नहीं। जरूर मरेगा। खाने को जहर बनाने वाले का अंत ऐसा ही दर्दनाक होना चाहिए। मुझे छोड़ दो, जाने दो। नहीं जाने दूंगा। तू वो दरिंदा है जो पैसों के लिए माँ के दूध में भी मिलावट कर दे। प्लीज बचाओ। सिगरेट के पैकेट पर भी कैंसर की वार्निंग लिखी होती है, शराब की बोतल पर भी लिखा होता है, ये सेहत को बर्बाद कर सकती है। आने वाले वक्त में ऐसी ही वार्निंग दाल, चावल, मसालों, घी, तेल और बच्चों के दूध पर ना आए। इसीलिए मैं आज तुझे खत्म करके रहूंगा। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। तो जैसे पापियों को मारने के लिए हर जन्म में पैदा होऊंगा मैं। तुम जहां जाओगे मुझे अपने साथ पाओगे। मैं जन्मों जन्मों तक तुम्हारे साथ चलूंगी। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। Shot okay. Thank you.